मैडम ये संसद का एक अपना गरिमा है, संसदीय लोकतंत्र में हम पहुंचते हैं, चाहे कोई भी दल के हो या कोई दल ना हो, हमारी अपनी एक मर्यादा है और इसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये मंदिर है लोकतंत्र का और हम सब देश के लोग के सामने कभी पूजे जाते थे, लेकिन जिस तरह से अभी कुछ टेलीविजन चैनल में दिखाया जा रहा है कि नोटों की गद्दी संसद महोदय लेकर के पॉकेट में रख रहे हैं और एक के बाद एक हमारे इस सदन में इससे पहले भी ऐसे वाक्या जब भी हुए समिति बना करके जांच की गई, पूरा सीडी मंगवाया गया, सच का निकाला गया और एक्शन लिया गया। चौदहवीं लोकसभा में 11 सांसदों को निकाला गया था, कोई अगर ये कहे कि आप रुपए दो हम लॉबिंग करेंगे, हम मंत्री को राज्य सरकार या केंद्र सरकार को प्रभावित करेंगे, संसद में सवाल उठाएंगे, वो सदस्य के लिए नहीं पूरे सदन के लिए अमर्यादा कर है और शर्मनाक है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा ये narada.news.com उससे आप तमाम सीडी मंगाओ और जांच करो, समिति बनाओ और सीबीआई एफआईआर करे और उसके बाद सच्चाई लोगों को मालूम हो। हमें शर्म है, हम ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे जो रुपए लेकर गद्दी में नाट का तारा लेकर पॉकेट में भरेंगे और देश के लोगों को कहेंगे हम समझते हैं सरकार को व्यवस्था लेना पड़ेगा। त्रिनमूल कांग्रेस एटीएमसी एनी टाइम मनी कंपनी हो गया है, 24/7 रुपए लेते जा रहे हैं और भरते जा रहे हैं, चाहे वो मेयर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, हमें शर्म है, शर्म में डूब जाना चाहिए इन लोगों को। अध्यक्ष महोदय, narada.news.com एक न्यूज पोर्टल है, narada.news.com एक न्यूज पोर्टल है। कल दोपहर से जो कुछ उन्होंने दिखाना शुरू किया अपने न्यूज पोर्टल पर, वो सिर्फ दुर्भाग्यजनक नहीं लज्जाजनक भी है एक सांसद के लिए और भारतीय संसदीय प्रणाली के लिए। ये जब देखा कि हमारे इसी सदन के 5 सांसद नोटों की गड्डियां लेते हुए नजर आए एक इंपैक्स कंसल्टेंसी के लिए लॉबिंग करने के लिए, महोदया संविधान के तहत आर्टिकल 105 के तहत हमें अधिकार होता है कि निर्भय होकर निर्भीक होकर हम अपनी बात सदन में रख सके, हमें कोई प्रभावित ना कर सके, कोई भी प्रभावित कर सकता है तो उसको सजा दी जाती है, किंतु हम खुद प्रभावित हो तो हमें भी सजा होनी चाहिए। और हमने पाश्चात्य में देखा है कि 2005 और 2006 में जब ऑपरेशन चक्रव्यूह और ऑपरेशन दुर्योधन के केस लाए गए तो सांसदों का नाम आया और उन्होंने भी इसी तरह से प्रभावित होकर लोगों के लिए काम करने के एवज में पैसे लिए थे, तो इसी संसद ने उन्हें बर्खास्त किया था। मैं आपके माध्यम से और पूरे सदन के माध्यम से आपसे मांग करता हूं कि इस लज्जाजनक और दुर्भाग्यजनक घटना के लिए इस विषय को इथिक्स कमेटी के सामने भेजा जाए और सारे narada.news.com का सारा रिकॉर्डिंग मंगाया जाए और इसकी जांच पड़ताल होकर करके उचित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। नहीं, सब लोग मत बोलो, आपके पार्टी से इसके बाद बंगाल में घोटाले की सिलसिला जारी है। कल हम लोग जो देखे हैं इसमें हम सब शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। ये पहले भी हो चुके हैं तहलका की लेकर कि बंगारू लक्ष्मण जी को भी त्याग पत्र देना पड़ा। नहीं नहीं, जो हुआ यही बात कर रहे हैं। मैं किसी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो कैमरा में कैद हो चुके हैं जहां नोटों की बंडिल लेकर हमारे ही सांसद चोरी छुपी बात करते हैं किसी को काम दिलाने के लिए, किसी को फेवर दिलाने के लिए, तो हमें ये देखना चाहिए कि इससे हम कैसे बचे, क्योंकि ये संसद की गरिमा से ताल्लुकात है, ये संसद की गरिमा, ये मर्यादा, इसमें खून होते हैं, इसलिए इसके ऊपर कड़ी से कड़ी जांच होना चाहिए और जिसको भी दोषी पाया गया उसको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारा मांग है। सॉरी दैट आई हैड टू लिव दिस डे टू हियर दिस थिंग्स इन पार्लियामेंट, यू नो मैडम। कोर्स इट इज एब्सोल्युटली पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, जस्ट एट द ईव ऑफ द इलेक्शन, इट इज अ मैन्युफैक्चर्ड वीडियो, वी हैव ऑलरेडी डिसाइड टू टेक द लीगल स्टेप्स एंड काइंडली रिमेंबर बिफोर 2001 इलेक्शन वन वीडियो वॉज पब्लिश्ड अगेंस्ट वन नेशनल level other political parties presidents against, but ultimately it is proved it was a manufactured video. So of course it is absolutely a manufactured video, it is a concocted story and there is a political motive in behind.
I can't say it right now at this moment. Who are the those people of the opposition? They of course they have made this story. But Mukulda, who are these people who came to you and the others? I don't know.